जिंदगी के इस खेल में हुनर जितने होंगे नायाब, जिंदगी के इस खेल में हुनर जितने होंगे नायाब, यकीन मानिए आप होंगे उतने ही कामयाब। क्योंकि अक्सर वेश्ता कहा जाता है कि जिन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। और कामयाबी की इस कहानी को हमेशा कहीं ना कहीं जो एक संघर्ष है उसकी बुनियाद पर लिखा जाता है। इसलिए अगर आप भी संघर्षमय जीवन से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी कामयाबी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, आप जल्द ही कामयाब होंगे। इसी खूबसूरत विचार के साथ धरती धुरारी के इस मंच पे स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं आपके साथ अजहर और मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। और अजहर ने इस सुबह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत ढंग से कही ही है और कहा भी गया है ना कि ये जो जिंदगी है ना ये जिंदा दिली का नाम है। लेकिन ये जो चंद लाइनें हैं ना सुनते सब हैं लेकिन अपनी जिंदगी में अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। और यकीन मानिए जब आप जिंदा दिली से इस जिंदगी को जीने लग जाएंगे ना तो आपको इस जिंदगी को जीने का कुछ अलग ही मजा आएगा। वैसे आज इस मंच पर हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं वो एक ऐसा ही जिंदा दिल इंसान है जिनका तारुफ कराने से पहले जरूर ये कहना चाहेंगे कि वो बाय प्रोफेशन तो सीनियर एडवोकेट है लेकिन बाय हार्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं कमलाकर शर्मा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अजहर जैसे हमने शो की शुरुआत में जिंदा दिली की बात कही है और कहा भी है ना जो जिंदा दिली है ना ये आगे जाके नहीं आती, ये आती है आपके बचपन से। क्योंकि बचपन में जो आप सीख रहे होते हैं ना वही आगे जिंदगी में कहीं ना कहीं छलकता है और वही आपकी शख्सियत को निखारता है। आपके बारे में सर बहुत कुछ जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आपके बचपन का। वो कौन सा शहर था जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आपका बचपन बीता और जहाँ आपने शुरुआती एजुकेशन ली? देखिए मेरा जन्म तो बूंदी में हुआ था लेकिन उसके बाद में मैं जयपुर में ही पला और बड़ा हुआ। जयपुर में ही मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जेवियर स्कूल में और उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद में मैं यूनिवर्सिटी स्टडीज़ इन आर्ट्स राजस्थान कॉलेज से मैंने बीए किया और यूनिवर्सिटी स्टडीज़ इन लॉ से मैंने एलएलबी किया। अरे वाह सर, एक बात जो मेरी भी जहन में आ रही है मुझे अपने दर्शकों तक शायद पहुँचा देनी चाहिए कि पिताजी फ्रीडम फाइटर तो जिंदा दिल होना तो मेरे ख्याल से लाजमी सी बात हो जाती है। जी हाँ, वो फ्रीडम फाइटर थे और 1948 में जब पहली गवर्नमेंट बनी थी तभी मिनिस्टर बन गए थे। अरे वाह। और उसके बाद 1985 तक इंटरमिटेंटली वो 18 साल तक राजस्थान में मिनिस्टर रहे लेकिन बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे। और सर बाय हार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का होना या कहीं ना कहीं कहा जाता ना कि बचपन से ही वो दिलचस्पी जो है कहीं ना कहीं खेल की तरफ रुझान जो है वो बनता चला गया, वो खेल के साथ कैसे सर? मतलब कहते हैं ना खेल खेल में जिंदगी, मेरे ख्याल से इतने कामयाब खेलों की तरफ आपको ले गई कि आज भी आप गोल्फ खेलते हैं। तो वो एक शुरुआत से अगर हम बात करें तो कैसे वो रुझान बनता चला गया आपका? देखिए सेंट जेवियर स्कूल के अंदर खेलने का बहुत ही अच्छा एटमोसफियर था और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता था। यहाँ तक कि शाम को अगर आप स्पोर्ट्स के लिए नहीं आए तो आपको पिंक कार्ड मिल जाते करते थे जो कि एक पेनल्टी कार्ड हुआ करता था। इसलिए लाजमी तौर के ऊपर आपको खेलने के लिए जाना ही जाना होता है। तो शुरू से ही मेरा खेल में रुझान रहा। फादर को टेनिस खेलते देखता था जय क्लब में तो उनसे भी इंस्पिरेशन लिया कि वो इतने बिजी होने के बावजूद भी खेल रहे हैं। तो शुरू से ही खेल मेरे नस नस में बस गया, यूं समझ लीजिए। अरे वाह। तो 1963 में मैंने टेबल टेनिस की कोचिंग ली शिवारमन साहब से जो कि इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे और माउंट आबू का कोचिंग किया मैंने, टेबल टेनिस में अटेंड किया और राजस्थान चैंपियनशिप्स अजमेर में हुई थी 12 साल की उम्र में, 12 साल से भी कम उम्र थी मेरी, उसमें मैं खेलने के लिए गया। तब से ही मेरा खेल में रुझान हो गया। फिर 1964 में ऐसा हुआ कि एंडी मार्शल जो इंडियन टीम क्रिकेट टीम की तरफ से 1932 में सबसे पहली जो क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी जी उसके वो मेंबर थे और वो यहाँ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में कोच बन के आए और सेंट जेवियर स्कूल ने उनको एंगेज किया शाम के नेट्स के लिए। तो तब से ही मैं उनकी नेट्स अटेंड करने लगा और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और तब से ही मेरी क्रिकेट लाइफ बन गई। और फिर एक ऐसा भी वाक्य आता है ना कि 19 साल के उस लड़के को ये इत्तला दी जाती है कि आपका सिलेक्शन जो है वो रणजी टीम में हो गया, राजस्थान रणजी टीम में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वो पहला रिएक्शन क्या था और चूंकि नाहिद जी ये तो बखूबी हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मेरा ख्याल से क्रिकेट क्रिकेट नहीं बल्कि एक धर्म की तरह लोग देखते हैं उसे,
जो शायद एक अनजान व्यक्ति दूसरे अनजान व्यक्ति से पूछता है कि स्कोर क्या है, तो वो सहर्ष न सिर्फ बताता है बल्कि अपनी एक छोटी सी समीक्षा भी देता है, अक्सर वैसा देखने को मिलता है। तो जब 19 साल के उस लड़के को ये इत्तला दी जा रही थी कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, उस जमाने में राजस्थान की क्रिकेट टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी। हनुमंत सिंह कैप्टन थे, उनके भाई सूर्यवीर सिंह, सलीम दुरानी, पार्थ सारथी शर्मा, सुनील बेंजामिन, जितने भी रिनाउंड क्रिकेटर्स थे वो सब राजस्थान टीम में थे, कैलाश गट्टानी थे। और राजस्थान उस वक्त उस जमाने में लगातार 9 बार रणजी ट्रॉफी फाइनल खेली थी, तो उस टीम में प्रवेश करना किसी के लिए भी बहुत ही कठिन काम था। अच्छा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। ये सब सीनियर प्लेयर्स थे, ये ऑलरेडी जमे हुए थे। तो जैसे जैसे ये रिटायर होते गए, एक आध दो जगह खाली होती थी। तो 1970 में हम लोगों को पहली बार रणजी ट्रॉफी की ट्रायल्स के लिए अजमेर ले जाया गया, और हमने वहाँ पे अपनी ट्रायल्स दी, और उस ट्रायल के बाद में फिर उन्होंने हमको टीम में सेलेक्ट किया। तो आप समझिए कि फूले नहीं समाए, क्योंकि इससे बड़ा कोई अचीवमेंट उस जमाने में हमारे लिए हो नहीं सकता था। तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन उस साल केवल 12th मैन की तरह ही खेल पाए, टीम के अंदर एंट्री नहीं मिली। वो ग्रेजुअली फिर बाद में 1973 के अंदर जाके मैं पहला अपना रणजी ट्रॉफी मैच खेला मेरठ में। और विकेट कीपर बैट्समैन आप थे? मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। तो जब आपको पहली बार में मौका नहीं मिला, 12th प्लेयर रहे, लेकिन जब आपको मौका मिला तो कैसा रिएक्शन था और कितनी खुशी थी, क्योंकि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा होगा आपको? बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, और आप ये समझिए खुशी तो थी ही खेलने की, लेकिन वो पहला मैच जो हुआ था वो ऐसे हालात में हुआ था, उस जमाने में रणजी ट्रॉफी मैच देखने भी 5-5, 10-10 हज़ार आदमी आया करते थे। लेकिन वो एक ऐसा मैच था जो मेरठ में खेला गया था और कर्फ्यू लगा हुआ था, यूपी से वो मैच था। और पहली इनिंग के अंदर हमारे 5 खिलाड़ी 70 रन पे आउट हो गए थे, और उसके बाद में फिर हनुमंत सिंह जी की और मेरी पार्टनरशिप हुई करीब 80-90 रन की, पर हमने वो मैच किसी तरीके से बचा लिया, हमने ड्रॉ खेल गया वो मैच। लेकिन वो एक यादगार लम्हा है जो भूलने नहीं भूलता। अच्छा, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ में, वो कहता ना कि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो क्रिकेटर हैं, आपके सीनियर क्रिकेटर्स जो रहे, होता है ना सर, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। जब आपने नाम लिया, जिक्र किया आपने, आपके जो कोच साहब रहे उस वक्त में, जिन्होंने आपकी प्रतिभा को ना सिर्फ निखारा बल्कि कहीं ना कहीं आप में वो कामयाबी की कहीं ना कहीं दलील भी आपको दे दी कि आप कामयाब हो सकते हैं। वहाँ सर मैं ये बात करूँगा, सीनियर से क्या कुछ ऐसा था जो सीखने को, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट सिर्फ एक खेल तक महदूद नहीं रहता, कई मरतबा ये ज़िंदगी के भी कुछ आयाम हमें सिखा ही देता है। क्या आपके साथ रहा? जी, सीरियस क्रिकेट तो मैंने हनुमंत सिंह जी से सीखी। जी, बहुत ही अकम्प्लिश्ड बैट्समैन थे, राजस्थान के कैप्टन थे, लेकिन जिंदा दिली क्रिकेट के अंदर अगर देखिए तो सलीम दुरानी से देखिए। क्या बात है, जिसको कहते थे ना कि जनता की आवाज के ऊपर वो छक्का मारते थे, वाकई में वो ऐसे ही खिलाड़ी थे। और बेफिक्र, बिल्कुल निष्फिक्र और बिना डर के खेलते थे, बिल्कुल निडर खिलाड़ी थे। एक साल का आपको वाकया याद दिलाऊं कि 1971 में हम पीएम रूंगटा 11 से होमी मोदी टूर्नामेंट खेलने के लिए जमशेदपुर गए हुए थे। तो फाइनल जो था वो बिहार स्टील्स से था, और उसमें एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे अंजन भट्टाचार्य, जो डेफ एंड डम थे, और लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट बॉलर थे वो। तो जब हमारे पहले ओपनिंग बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए गए नजमुल हुसैन, तो उनके पहले ही ओवर के अंदर उनके सिर के ऊपर बॉल लगी और वो बेहोश होके पवेलियन को आना पड़ा। सुनील बेंजामिन नंबर 3 पे बैटिंग करने जाने वाले थे, तो जैसे ही उन्होंने ये देखा सलीम दुरानी ने कि इस तरह की उसने बॉल डाली है और उसका सिर पे इतनी ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, उन्होंने सुनील बेंजामिन को वहीं रोक लिया, बोले नहीं बैठो तुम जी, और पैड बांधे और बैटिंग करने के लिए उतर गए। वाह। और उसके बाद उन्होंने 90 रन बनाए और अंजन भट्टाचार्य की इतनी बुरी पिटाई करी कि शायद इससे बुरी पिटाई उसने कभी झेली नहीं होगी। इतने निडर खिलाड़ी थे, कभी डरते ही नहीं थे किसी से, और बिल्कुल कूद जाते थे मैदान में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी और
तो एज अ टीम मेट कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो निडर होना या यूं कहें कि वो बेखौफ होकर खेलना, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपने ग्रैब करने की शायद कोशिश की होगी। बिल्कुल करी है, सलीम दुरानी से ही वो मिली है। वाह 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 वाह, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपोजर था उस टाइम तक, तो मैं रणजी ट्रॉफी में केवल एज अ एक बात जो जहन में यहाँ दस्तक देती है वो ये भी कि वो एक दौर था जहाँ मेरे ख्याल से जैसा कि आपने बताया सर पे चोट लगना, क्योंकि हेलमेट्स वगैरह इतना मुहैया नहीं होते थे और मतलब इतने मुझे ऐसा लगता है कि कहते ना वो गार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी। आज तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ क्रिकेटर अपना जो क्रिकेट जीवन है उसे भी चलाता है, लेकिन फिर भी सर उन चीज़ों से बचना बड़ा लाजमी होता है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूँगा कि उस वक्त का जो क्रिकेट था राजस्थान रणजी का, आज का जो क्रिकेट है, दोनों को अगर हम देखते हैं तुलनात्मक अगर तरीके से, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो खलील अहमद हैं वो आज नेशनल टीम में खेलते हैं और बड़ा ही मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम भी उन्होंने किया है, कैसा लगता है सर आपको जब वो कंपैरिजन आप देखते हैं? देखिए, किसी भी दौर को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो आज के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, इतनी अकेडमीज खुल गई हैं और एक्सपोजर सभी खिलाड़ियों का इतना अच्छा हो गया है, आईपीएल की वजह से और भी ज़्यादा हो गया है। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। उस ज़माने में आपको क्लब क्रिकेट से आप ग्रेजुएट करते थे रणजी ट्रॉफी लेवल के ऊपर, और रणजी ट्रॉफी से फिर आप नेशनल लेवल के ऊपर जाया करते थे। इसके अलावा और कोई क्रिकेट वहाँ अकेडमीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तो उस दौर में आप जैसा आपने कहा, बिना हेलमेट के बिना थाई गार्ड के बैटिंग करनी पड़ती थी और विकेट्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। हम लोगों ने तो पूरी अपनी जिंदगी जो बैटिंग विकेट्स के ऊपर खेली है, तो उस पर तो बॉल का उछाल भी बहुत तेज होता था और फास्ट भी होते थे विकेट्स, अनसर्टन भी होते थे। तो उस दौर के अंदर क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल का काम था, और क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स जो थे वो बॉम्बे में खेला करते थे, तो उनको सब्स्टिट्यूट करना या उनकी जगह अपने आप वो टीम में आना ये बहुत मुश्किल, बड़ा मुश्किल था। बहुत यहाँ एक जहन में मेरे बात आ रही है, कहते हैं ना जब हमारे दोस्तों में कोई एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा फैमिली को खुशी होती है, लेकिन साथ में खुशी होती है दोस्तों को जो कहीं ना कहीं आपका हौसला बढ़ाने के लिए उस वक्त स्टेडियम में मौजूद होते हैं, और फिर आपकी कमियां और तारीफ दोनों ही आपको बताते हैं कि क्या खूबी रही थी क्या कुछ कमियां रही थी जिससे आप और निखर सके। तो तभी कहा जाता है कि एक दोस्त जिंदगी में सबसे अहम कड़ी होता है जो आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मददगार होता है, क्यों अजहर? सही कहा, बिल्कुल सही। और ऐसे ही एक दोस्त से आज हम आपकी बात कराते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका धरती धुरारी के मंच पर। नमस्कार जी। महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कमलाकर जी जो कि आपके पुराने मित्र हैं, तो आज सबसे पहले हमें ये बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में। तो हमारा साथ तो नियरली करीब 7 साल का है, 67 में हम पहली बार आबू कैंप के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। और तब से लेकर जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव है साथ ही देखे हैं, और दोनों ने आपने मेरे ख्याल से क्रिकेट भी साथ में खेली है जहां तक मुझे जानकारी हासिल है। आबू में हमने कैंप क्रिकेट का साथ में शुरू किया था जी, फिर उसके बाद आके सेंट जेवियर्स में थे, ये हमारे से 2 साल सीनियर थे स्कूल में, सेंट जेवियर्स की स्कूल टीम से शुरू किया, फिर यूनिवर्सिटी हम लोग साथ खेले, राजस्थान के लिए हम लोग साथ खेले, जयपुर में हमारा एक छोटा सा क्लब होता था क्रिकेट का जयपुर ब्लूज, उसमें हम साथ खेले, तब से लेके अभी तक। फिर और खेलों में भी हम लोग साथ रहे हैं, खेल रहे हैं अभी गोल्फ क्लब में साथ हैं, तो खेलों का साथ और दोस्ती का साथ तो तब से ही जी। सर मैं यहाँ एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से कमलाकर सर से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आपको म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक है। हाँ, म्यूज़िक सुनने और महेश सर के साथ जो आपकी दोस्ती है, मेरे ख्याल से अगर वो नगमा यहाँ पर अगर गुनगुना लिया जाए तो मेरे ख्याल से सुबह का ये जो माहौल है धरती धुरानी का जो मंच है, मेरे ख्याल से इसकी बात मुकम्मल हो जाएगी।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अजी देखिए, ये दोस्ती तो क्रिकेट की है, महेश जी के साथ में म्यूजिक की दोस्ती कभी रही नहीं है सच, क्योंकि दोनों के वेरीड इंटरेस्ट थे म्यूजिक के में। सुनने का शौक है, इन्हें गाने का है। अरे वाह जी, इसलिए ये तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ और आप कहेंगे तो मैं सुना। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल आपसे गुजारिश करेंगे। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई तो महेश जी, आज की जो आज आपकी आपके दोस्त से जो आप मुखातिब हुए हैं इस मंच के माध्यम से, मेरे ख्याल से हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की पुरानी दोस्ती हम देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया महेश सर, आज आपने कॉल किया धरती धुराड़ी के इस मंच पे। थैंक यू, सौभाग्य है सर। थैंक यू सर, जो यहाँ पे बात करने का मौका मिला। सर हमारा भी सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ कमलाकर सर से हम एक बार दोबारा हम मुखातिब होते हैं और ये जानते हैं, जब बात होती है जो टीम की बात कर रहे थे सर, और कहते हैं कि ज़िंदगी के हर हिस्से में और ज़िंदगी के हर किस्से में उस दोस्ती की बात तो आपने की, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, जब प्रोफेशन सेम होता है, एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की वो जुगलबंदी चलती है, कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी याद है जो इस मंच के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम जो यंगस्टर्स थे उस जमाने में, जी महेश शर्मा थे, विनोद माथुर थे, एक डॉक्टर बिमल सोनी थे, हम लोगों ने, मेरे छोटे ब्रदर थे मधुकर शर्मा, वो भी राजस्थान के लिए सी के नायडू क्रिकेट टीम के अंडर 22 के कैप्टन रहे हैं। तो हम लोग ने जब क्रिकेट शुरू करी मार्शल साहब के साथ में, तो क्रिकेट हमारा पैशन था, सबका ही पैशन था। उस जमाने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो हमने एक छोटी सी क्रिकेट टीम बनाई, जयपुर ब्लूज। जी हाँ, और उस टीम में फिर हम लोग सब साथ खेलने लगे, और वो टीम जब तक हम लोग खेल रहे थे 1983 तक, तब तक जयपुर की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम वही थी। तो हम लोग सब साथ में ही यूँ समझ लीजिए कि क्रिकेट खेलना हमने शुरू किया, और क्रिकेट का सफ़र हमारा सबका। और मेरे ख्याल से विनोद माथुर सर, जिनका आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक अच्छे तेज गेंदबाज, बहुत अच्छे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे, और वो कैप्टन भी रहे राजस्थान के बाद में। हमने तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि वकालत शुरू कर दी थी 1975 में, इसलिए उसके बाद में एक्टिव क्रिकेट खेलना तो छोड़ दिया था। क्लब क्रिकेट खेलते रहे, कभी कभार संडे को मौका मिल जाता। इसलिए मैं सर ये जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जहन में बहुत देर से ये बात आ रही है कि आप इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, क्रिकेट में इतना अच्छा मौका मिल रहा था, फिर ये वकालत की तरफ रुख कैसे हो गया आपका? देखिए, क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के साथ साथ मैं बैडमिंटन भी खेलता था, और बैडमिंटन में भी मैंने राजस्थान के लिए खेला, और उसके बाद में वकालत यूँ शुरू करी कि फादर को वकालत करते देखता था, और जब भी वो मिनिस्टर से हटते थे और वो सीधे अपना काला कोट पहन के और वकालत शुरू कर देते थे, तो मैं सोचता था कि ये अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आपको टाइम भी मिल जाता है पॉलिटिक्स करने का, और आप वकालत भी कर रहे हैं, और उनकी सक्सेस तो मैं देखता ही था, एज अ वकील भी देखता था। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन अच्छा है, पढ़ाई में मैं अच्छा था नहीं, तो और स्कूल में जबरन हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिला दी गई थी जिसमें जबरन, तो मैं जानता था कि मैं फिजिक्स में कभी पास होऊंगा नहीं, तो मैंने ऑप्ट किया, फोर्थ ऑप्शनल लिया सिविक्स, और किसी तरीके से हायर सेकेंडरी पास कर ली। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में, क्योंकि फादर को वकालत करते देखता था, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला, और मैंने ये दिमाग में अपने बिठा लिया कि मुझे वकील ही बनना है। जी। और जब 1975 में जब लॉ पास करी और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो
फादर उस वक्त मिनिस्टर नहीं थे, वकालत करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पास में नहीं रखा मुझे. उन्होंने बीपी अग्रवाल, वो जो बाद में एडवोकेट जनरल बने, उनके पास में मुझे रखवाया और उनके साथ मैंने 4 साल प्रैक्टिस करी. तो वकालत यूँ समझ लीजिए कि स्कूल टाइम से ही मेरे एक दिमाग में थी मुझे वकालत ही करना है. सर कहीं ना कहीं जैसा कि हमने शुरुआत से चर्चा की, जिंदगी जिंदा दिली का नाम, और कहीं ना कहीं परवरिश में, तरबियत में वो सारी चीज़ें आपको हासिल हुई कहीं ना कहीं, कि कोई काम जो है वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि दिल से उस काम को हम ये मान लें कि हम कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात सक्षमता की हम बात जब हम करते हैं. लेकिन मैं यहाँ एक बात जानना चाहूँगा कि जो मूल्य या जो बातें, जो बहुत अच्छी बातें जो आपके पिताजी से आपने सीखी, क्या कुछ आपने कोशिश की कि आपकी अगली पीढ़ी तक भी वो ट्रांसफ़र की जाए? जी हाँ, मैंने अपने पिताजी से सादगी सीखी. बहुत खूब. वो एक बहुत इमोशनल और बहुत ही सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे. इतने सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, इतने लंबे समय तक मिनिस्टर रहने के बावजूद, उन्होंने शायद अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई आउट ऑफ द वे जाके या कुछ यूँ समझ लीजिए कुछ अचीव करना हो तो वो कभी नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने यही कहा कि आप अपने पैर के ऊपर खड़े होइए. एक छोटा सा वाक्या आपको बताऊं. वो हेल्थ मिनिस्टर थे और मेरे छोटे ब्रदर ने फर्स्ट ईयर किया, तो उस ज़माने में 5 सीटें जम्मू एंड कश्मीर के लिए राजस्थान में, और राजस्थान की 5 सीटें जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज में रिजर्व हुआ करती थी. तो मैंने अपने फादर से कहा कि आप मधुकर को भी आप अगर वहाँ करा दें तो डॉक्टर बन के आ जाएगा. मना कर दिया. और यही नहीं, आप ये देखिए कि हमारे पीछे मथुरादास माथुर जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे वो रहा करते थे, उनके भांजे और भतीजे दोनों को उन्होंने मेडिकल कॉलेज में वहाँ भिजवा दिया कश्मीर में. उन दोनों ने वहाँ से डॉक्टरेट करी, लेकिन मेरे ब्रदर को उन्होंने नहीं भेजा. तो एक वो सादगी का इंस्पिरेशन जो था वो उनसे बहुत ज़्यादा मिलता था. कहीं ना कहीं असर ये ज़रूरी भी होता है. परवरिश का जो अहमियत है वो यही नज़र आती है और यही मानी जाती है. तो जहाँ हम बात परवरिश की कर रहे हैं और रिश्तों की कर रहे हैं, तो चलिए हम फ़ोन लाइन पे कनेक्ट करते हैं आपके साहबजादे को, आपके बेटे को, और बात करते हैं उनसे. हेलो. हेलो. हेलो जी, स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर. थैंक यू सो मच. तो समरथ जी, आज आपके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं पापा के लिए आज क्या कहना चाहेंगे? पापा के लिए कहना चाहूंगा दैट ही इज़ द परफेक्ट फैमिली मैन. वाह. अरे वाह. जी. तो एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन बाय हार्ट, अ लॉयर बाय प्रोफेशन. जी. और दोनों में एक्सेल करा इन्होंने हमेशा. जी. और मैं तो शुरुआत से एक बात जो आपके फादर साहब हैं उनसे कर रहा हूँ कि नाम इनका कमलाकर है, लेकिन मेरे ख्याल से कमाल कर ज़्यादा इन्होंने किया है अपने नाम के साथ. यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा समरथ जी. जी. बिंग अ फादर होता है ना कि पिता पुत्र में हमेशा शायद ये रहता है, एक रिश्ते की एक खूबसूरती ये रहती है कि कभी शो नहीं करते, लेकिन हाँ वो जो एक मोहब्बत है, प्यार है, वो बहुत ज़्यादा रहता है आपस में. तो यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज इस मंच पे आपके पिताजी हैं, कोई ऐसी बात जो आज तक आप नहीं कह पाए अपने फादर साहब से, कुछ कहना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से? हमारा एक्चुअली कभी कम्युनिकेशन गैप इतना रहा नहीं. और जो मैं कहना चाहा हमेशा, ही इज बीन अ फ्रेंड टू मी ऑलवेज. और बहुत ओपन हमारी रिलेशनशिप रही है. जो मैं चाहा वो मैंने उसको बोला है. जी. बट I feel that he is a great father. और जो भी उन्होंने लाइफ में किया, it's been the best. और हम लोगों को as kid बहुत दिया है उन्होंने. वाह. तो आप क्या कहना चाहेंगे कमलाकर सर? अब देखिए, अच्छी फैमिली मिल जाए, अच्छे संस्कारों वाले बच्चे मिल जाए, इससे अच्छी और कुछ भी हासिल आप नहीं कर सकते. वाह. मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे मिले हैं. मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया हो मेरी लाइफ में. सब कुछ मुझे पाया है, सब कुछ मैंने हासिल किया. बहुत खूब, बहुत खूब. तो समरथ जी, आज आप जुड़े फोन लाइन पे हमारे साथ इस मंच पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.
बातचीत जारी करेंगे कमलाकर सर के साथ। सर क्रिकेट की बात हुई और क्रिकेट के साथ साथ वो कहते ना कि मैं हमेशा कहता हूँ इस मंच पे कि शौक जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये उम्र को अगर हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, ये वो हुनर है कि जो दिलों पर झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप गोल्फ खेलना भी आपने शुरू किया है, बैडमिंटन भी आप खेलते रहे, और एक शौक बड़ा जो एक थोड़ा अनोखा सा है, एक स्पोर्ट पर्सन से थोड़ा सा अलग हटके मैं बात करूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वो भी आप करते हैं, कैसे ये सारे शौक मतलब और इन सभी इन हॉबीज को मतलब बहुत आसानी से कैसे आप कर पाते हैं, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि नाम में ही है कमाल कर जी। देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक यूं लगा कि रणथंभौर जयपुर से बहुत पास है जी, और अक्सर रणथंभौर जाया करते थे। मैं जब वकालत में आया, उसके पहले तो कभी नहीं गया था, लेकिन वकालत में आने के बाद में मैं रणथंभौर में कई बार गया, और जब भी गया तो टाइगर साइटिंग बहुत अच्छी हुई वहाँ पे। तो उसे एक शौक लग गया कि इसको अपन देखते हैं, उनको कैप्चर भी करें कभी। तब से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक हो गया कि जब भी जाता हूँ साथ में अपने कैमरा साथ लेके जाता हूँ, उनकी जो भी अच्छी मेरे को साइटिंग होती है उनकी मैं ले लेता हूँ फोटोग्राफ्स। चंबल बोट राइड पे कर गया था, तो चंबल बोट राइड के ऊपर क्रोकोडाइल सेंचुरी में गया, वह क्रोकोडाइल्स की मैंने वहाँ फोटोग्राफी करी। कभी हिमालयन में हिमालयाज में गए वहाँ पे, कभी पहाड़ों में कुछ जानवर दिख गए उनकी फोटोग्राफी कर ली। तो इस तरह से जहाँ पे भी गया वहाँ इस तरह का अगर कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने जरूर की। और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती को भी आपने कोशिश की। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नेचर लवर हूँ, और जहाँ जाता हूँ नेचर फोटोग्राफी सीनिक ब्यूटीज ये सब मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, एक बात और जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्रिकेट या यूँ कहें कि स्पोर्ट पर्सन की अगर जब भी हम बात करते हैं कि एक स्पोर्ट पर्सन ताउम्र दिल से हमेशा एक स्पोर्ट पर्सन ही रहता है ना, और यहाँ जब आप आज के दौर में जब क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट को सिर्फ खेलना ही स्पोर्ट पर्सन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे मन से अगर आप क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं तो वो भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ जगाता रहता है किस तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब जब वो स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक घूसबम से ऐसी सिचुएशन होती है। तो जब आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा करते थे बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती होंगी ना, तो जब आप ग्राउंड में क्रिकेट देखना मेरे ख्याल से आप भी पसंद करते होंगे, तो कैसा वो अनुभव लगता है और क्या कुछ बीइंग ए इंडियन जो मैं बात करूँ बीइंग एन इंडियन कितना वो आपको खुशहाल या कितना अच्छा आपको महसूस कराता है जब 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जो वो छक्का मारते हैं और वो क्रिकेट की ट्रॉफी जो है वो दोबारा हमारे घर लौट कर आती है, और अब भी जो आज माहौल चल रहा है वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप के माहौल में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? तो सर जो क्रिकेट ग्राउंड से लेके जो सारी चीज़ें आप देखा करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए इंडिया में क्रिकेट ने एक पैशन क्रिएट कर दिया है बिल्कुल, और हर व्यक्ति अपने आप को क्रिकेट से जुड़ा हुआ महसूस करता है जी। ऐसे में जब थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैक करती है टीम की तो बड़ी निराशा भी होती है, और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बड़ी खुशी होती है जी। इतनी ज्यादा खुशी होती है अगर हम जब देखते हैं वहाँ ग्राउंड के ऊपर पब्लिक के अंदर जो हुजूम है वहाँ पे, और वो जो एक्साइटमेंट वहाँ पे जनरेट होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और वैसे देखा जाए तो आप देखिए निराशा भी होती है जब चेतन शर्मा की बॉल के ऊपर जावेद मियांदाद ने छक्का मार के इंडिया को हराया था तब कितनी निराशा हुई होगी, और वही जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के और वर्ल्ड कप जिताया तो कितनी खुशी हुई जी। इसका एक कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, लेकिन एक दिल को छूने वाली जो चीज है वो है क्रिकेट जी। और आज तो मैं समझता हूँ कि पूरी लाइफ ही क्रिकेट हो गई है इंडिया की। और सर कहीं ना कहीं हम जब क्रिकेट की बात करते हैं आज जो फिटनेस लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। देखिए अगर आप फिट नहीं है तो आप टीम में नहीं रह सकते, ये आप मान के चलिए कि इंडियन टीम आज की तारीख में वर्ल्ड की फिटेस्ट टीम है। विराट कोहली ही लीड्स बाय एग्जांपल, रविंद्र जडेजा हैं, आप ऐसे आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी आज की तारीख में भी सबसे क्विकेस्ट विकेट कीपर हैं, और इनकी फिटनेस आप देखिए कि महेंद्र धोनी 37 साल के हैं लेकिन जब वो एक रन दो रन जब चुराते हैं तो कितनी फास्ट हैं
कल मैं कमेंट्री सुन रहा था तो इन बिशप ये कह रहे थे कि मैं 100 मीटर्स में विराट कोहली से 100 मीटर्स की तो मैं रेस कर सकता हूँ, लेकिन 22 गज की मैं रेस उसे नहीं कर सकता, वो मेरे को हरा देगा। तो इतनी लेवल ऑफ फिटनेस इनकी है कि अपने एग्जांपल से लीड करते हैं और हम देखते हैं फिर नेचुरली परफॉर्मेंस। और नए तरह के टेस्ट भी आना शुरू हुआ, यो-यो टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं फिटनेस के लिए, फिटनेस टेस्ट हो गए हैं, जिम्स हो गई हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हो गए हैं। पहले के जमाने में तो देखिए कुछ नहीं होता था जी, न फिटनेस लेवल होता था न कुछ होता था, दो रन की जगह एक रन भागते थे। हमारे पुराने क्रिकेटर्स को अगर हम देखें, विजय मंजरेकर, दिलीप सरदेसाई, तो वो कितने लेजरली खेला करते थे। हमारे ही नहीं, और भी जगह कोलिन काउटर जैसे ये खिलाड़ी थे जो काफी स्टाउट थे। आज के दौर में भी हम क्रिस गेल और इस तरह के खिलाड़ी देखते हैं जो यकीन रखते हैं कि सिंगल डबल तो बात, लेकिन क्रिस गेल तो देखिए अब क्योंकि उम्र के हिसाब से अब थोड़े से स्लो हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा पहले नहीं था। लेकिन क्योंकि वो अपना मेकअप कर लेते हैं अपनी हिटिंग से, इसलिए उनका तो खैर वैसे भी आखिरी साल है ये, इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर ही दिया है। लेकिन फिटनेस अगर आपकी नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इंडियन टीम में अगर आज आप जगह बना पाए। फिटनेस कहीं ना कहीं हर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी, हर स्पोर्ट्स के लिए, मेरे ख्याल से जिंदगी के लिए भी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, अगर देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके फिटनेस लेवल अच्छी नहीं है, हम गोल्फ की बात करें तो जो जो फिट खिलाड़ी हैं वो 350 गज की बॉल मारते हैं, और जो नहीं हैं वो नहीं मार पाते, वो 250-350 गज की बॉल ही मार पाते हैं। तो ये फिटनेस लेवल कहीं ना कहीं तो आता ही है। चार दिन लगातार आपको खेलना है 18 होल, तो फिटनेस तो होनी चाहिए। लगता है लेजरली गेम जी, लेकिन है नहीं, है नहीं, सही बात है, फिटनेस बड़ा लाजमी है। एक सवाल जो जहन में बार बार आता है और इसके थोड़ी देर पहले हमने बात भी की कि सलीम दुर्रानी साहब का वो दौर, आज का ये दौर, हालांकि आपने बताया कि कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजस्थान जो रणजी जो टीम है या राजस्थान क्रिकेट की हम बात करते हैं, आज आप कहाँ देखते हैं, कितना और बुलंदी पर आप चाहते हैं कि ये क्रिकेट पहुंचना चाहिए? देखिए राजस्थान के साथ में एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा है कि पिछले 5 या 6 साल से राजस्थान की एसोसिएशन सस्पेंडेड पड़ी हुई है, और क्रिकेट इतनी अच्छी हो नहीं रही है, न डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो रही है, न स्टेट लेवल के ऊपर हो रही है। जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो अपनी एकेडमी से ही निकल के आ रहे हैं और वहीं से वो आगे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स राजस्थान की बंद हो जाए और क्रिकेट वापस से उस स्तर के ऊपर आ जाए तो राजस्थान में भी बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं हम, लेकिन वो उनको फिर बाहर जाना पड़ रहा है खेलने। अच्छा, यहाँ सर एक बात और, जो इतनी मेरे ख्याल से इतने संघर्ष के बाद भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, जैसे खलील है, खलील इंडियन टीम में आ गए हैं, नाथू सिंह आए थे लेकिन वो वापस फेड आउट हो गए हैं। तो खिलाड़ियों की कमी नहीं, आप उनको एक्सपोजर आप दीजिए, उनको एक्सपोजर अगर आप देंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज देंगे, प्रॉपर कोचिंग देंगे, तो ऐसे राजस्थान के खिलाड़ी तो बल्कि और आप यूँ देखिए कि हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा स्टडी होते हैं, तो लंबे चौड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब। अभी हम देखते हैं कि पेस बॉलर्स की तो एक बड़ी खेप सी बनती जा रही है, यानी कि चौधरी साहब की हम बात करें या हम बात करें तनवीर की, मतलब अच्छी खासी मतलब क्रिकेट की बहुत एक मतलब काफ़ी एक खेप सी तैयार हो जाती है, आप कैसे देखते हैं सर इस बात को? नहीं, ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इंडियन टीम का कि पहले इंडियन टीम के अंदर फास्ट बॉलर्स बहुत कम हुआ करते थे और हम ये सोचते थे कि 2-4 ओवर करा दो उसके बाद स्पिनर्स को वापस शुरुआत करा दो। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में आप देखिए बुमराह हैं या भुवनेश्वर हैं, शमी हैं, इनको अगर हम इनसे नीचे आके जाएं, आप राजस्थान में भी ये जो आपने अनिकेत का, नाथू सिंह का, खलील का है, और ये इस तरह के जो खिलाड़ी अब आ रहे हैं, इनमें औरों को देख देख के इनमें भी फास्ट बॉलिंग का एक जुनून सा हो गया है जी। और बहुत अच्छी बात है ये कि इंडिया में भी फास्ट बॉलर्स अब पैदा हो रहे हैं जो 140-150 बॉल डाल सकते हैं। वाह, बहुत खूब। यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नई टीम आप देखते हैं स्क्रीन पर, जब नए बच्चे हैं या जो नई जनरेशन है वो क्रिकेट खेल रही होती है, तो कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर की नई जनरेशन के साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं? मैं तो बचपन से ही, जब से मेरे बच्चे छोटे थे तब से, और हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी तो हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे और बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, उनके साथ खेलते थे। आज भी मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में खेलता हूँ। सर यहाँ एक बात और आती है जहन में, वो ये कि जब आप खेलते हैं
और कई मर्तबा होता है ना कि वैसे तो आप बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स को अपने बल्ले से जवाब दे दिया करते होंगे उस वक्त में भी राज में भी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्या श्रीमती जी जब बॉल करती हैं तो होता है क्या कि आप बोल्ड वोल्ड हो जाते हैं या आप... क्रिकेट में गोल नहीं होता, नहीं अगर होता होता मैं जरूर बोल्ड हो जाता क्योंकि देखिए वो तो घर घर की कहानी है और इतनी प्रोमिनेंट लेडी है, दो बार एमएलए रह ली, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही, साथ राजस्थान गवर्नमेंट में और चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में 3 साल रह ली, उनके सामने थोड़ा सा आज बात कर लेते लेकिन उनसे हम इस मंच के माध्यम से और उनको फोन हम लगा देते हैं। श्रीमती ममता शर्मा जी, हेलो जी, नमस्कार मैम, स्वागत है आपका धरती धुरारी के मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार। और सर से आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सर के बारे में कुछ खास राय। खास राय तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा पति किस्मत वाली पत्नियों को ही मिलता है। वाह। और मैं ये कहूंगी कि ये सर्वगुण संपन्न है, चाहे खेल ले लीजिए, चाहे इनका प्रोफेशन ले लीजिए और चाहे कोई और गुण ले लीजिए। तो मैं ये समझती हूँ कि सर्वगुण संपन्न पति होना और अपने परिवार को इतने अच्छे से चलाना ये बड़ा मुश्किल काम है जो ये बड़ी बखूबी से निभाते हैं। और दूसरा मैं कहूंगी कि राजनीति में मेरा इतना ऊपर पहुंचना तो मेरे जो ससुर साहब थे उनका आशीर्वाद और उसके बाद इनका सहयोग, जिसने कभी किसी काम के लिए नहीं टोका, कहीं आना है जाना है कुछ करना है और एक पुशअप देना, ये बड़ा एक मेरे लिए मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मुझे ये मिले हैं। और बहुत खुश वाली फैमिली है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि भगवान जो कुछ उसने दिया है उसको बरकरार रखे और इनको लंबी जिंदगी दे और आगे से आगे ये और नाम कमाए, ये मेरी बहुत तहे दिल से मेरी ये। अच्छा, यहाँ मैम एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ अतीत के पन्नों को जरा हम पलट के देखते हैं। एक वो कहते रहे कि एक क्रिकेटर और क्रिकेटर के लिए तो बेशक मतलब जो है लड़कियों का दिल काफी धड़कता है हमारे हिंदुस्तान में, तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ आपसे कि पहली बार जब दो आंखें चार हुई जब इनके साथ आपकी, तो इन्हें गीत संगीत का बड़ा शौक है, गीत संगीत बड़ा पसंद करते हैं ये, तो क्या कुछ ऐसा था जो गुनगुनाया इन्होंने आपके लिए और आज इन्होंने अपने दोस्त के लिए तो एक गाना डेडिकेट किया, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा क्या आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे इनके लिए? मैं तो एक्चुअली क्या गाना डेडिकेट करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं ये मान लीजिए कि मैं इनकी तरफ से गा रही हूं तो जरूर जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो जब श्रीमती जी बोलती हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी मियां की इतनी हिमाकत नहीं कि वो कुछ नीचे बोले। कतई नहीं, कतई नहीं, और मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। लेकिन फिर भी सर आज इस मंच के माध्यम से कुछ आप कहना चाहें? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इतने अच्छे परिवार से आई हैं, संस्कारी हैं और इतने बड़े परिवार में से आने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हमारे ऊपर नहीं दिया कि ये इतने बड़े परिवार से आई हैं, या इन्होंने उसके बाद जब अपना पॉलिटिकल करियर में इतना अचीव कर लिया तब भी इन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया हमें कि किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स डिवेलप हो जाए, बल्कि हमारी बहुत अच्छी आप यूँ समझ लीजिए कि एक सामंजस्य है हमारे पूरी परिवार के अंदर और इन्हीं की वजह से। बहुत खूब, बहुत खूब, और हम यही चाहेंगे आप बस इसी तरह से खुश रहें। तो ममता मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंच पे जुड़ी आप हमारे साथ। और कमलाकर सर, जैसा कि अक्सर वेशता होता है वक्त जो है ना कई मरतबा इजाजत नहीं देता और समय कम रह जाता है, लेकिन फिर भी एक पंक्ति में हम आपसे चाहेंगे कोई ऐसा संदेश जो आज के युवाओं को जो स्पोर्ट्स में अपना मुकाम तलाशना चाहते हैं उन्हें कुछ आप कहना चाहें? देख, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप काम करें जी या जो भी आप स्पोर्ट लें उसमें पैशन जरूर रखें। अगर आपका पैशन होगा, हार्डवर्क होगा, सिंसियरिटी होगी,
तो आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप में पैशन नहीं होगा, हार्ड वर्क और सिंसियरिटी नहीं होगी, तो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर की काबिलियत को जगाने के लिए वो पैशन का होना बड़ा पैशन आप अपने आप में जगाइए, पैशन अपने आप में जगाइए और उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो जाइए। कभी ये मत समझिए कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये काम थोड़ा ठीक नहीं है। आपकी इन बातों ने भी आज बहुत सारा पैशन जो है हम जो एंकर से हमारे अंदर भी जगा दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आप इस मंच पर हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ श्री कमलाकर शर्मा जी, जिन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की बात में जीवन के बारे में बताया और बताया कि जिंदगी वाकई जिंदा दिली का नाम है। तो दोस्तों अब लेंगे आपसे इजाज़त और अगले अंक में ज़रूर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए हमारे साथ हर दिन धरती धुरारी। धन्यवाद।